الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يزحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का एहसान और करम है, आज आरफा के दिन में यानी नवी जिलहिज्जा में अल्लाह ताला ने हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने हजरात हज को गए हैं उनका आरफा का दिन वो गुज़श्ता कल का दिन था, हमारा आज का दिन है और कल इंशाअल्लाह हम सब के लिए ये ईद का एक मुबारक दिन है। अल्लाह ताला ये सब चीजें हमारे हक में कबूल फरमाए, अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाए, अपनी मगफिरत अता फरमाए। खैर मेरे प्यारों, ये थोड़े से वक्त में कितने बजे खत्म करना है? इमाम साहब 35 पर बात को खत्म करना है, 35 मिनट हमारे पास है जिसमें बहुत जरूरी बातें करना है, दो चार बातों पर हम सबको अपने दिमाग को मुतवज्जे करना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग गर्दन झुका दे, पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें। ये मस्जिद में कई मरतबा आना हुआ है, तकाफ भी हुआ, मजालिस भी हुई, अल्लाह ताला हम सबके सुनने को कबूल फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी जुबान पर अल्लाह, जितना मजमा बैठा है सब साथ में अपनी जुबान पर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना बहुत बड़ी नेमत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदा ईमान वो होता है जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से मामूर होता है और मुर्दा है वो जो अल्लाह के जिक्र से महरूम होता है। अल्लाह हमको जाकिरीन में बनाए और खूब जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। शुरू करें, अल्लाह तबारक व तआला तौहीद और ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत अल्लाह हमको नसीब फरमाए। मैं चाह रहा हूँ कि आज ये 35 मिनट में हम कुछ तकसीम करके बातें करें ताकि सब बातें हमें समझ में आए कि ये दिन हमें कैसे गुजारने हैं। अल्लाह तबारक व तआला, ये तौहीद सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो हमने कलमा पढ़ा अभी, जो हमने विर्द किया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इतना प्यारा कलमा है, अल्लाह की कसम ये इतना प्यारा कलमा है कि अगर कोई ये कलमा पढ़ लेता है, हदीस पाक में लिखा अल इस्लाम वल ईमान यहदीमु मा काना कबला, हदीस पाक में लिखा कोई कलमा पढ़ लेता है हजारों दिन और हजारों रातें गुनाहों में गुजारी हो, कुफ्र में गुजारी हो, एक मरतबा कलमा पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता। और यही वो कलमा है जो मौत के वक्त मिल जाए। तो हमारे नबी ने फरमाया, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة بغير حساب ولا كتاب। हमारे आका ताजदार मदीना ने फरमाया, जिसको मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए, दुआ करो अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, जिसको मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला करता। तो ये कलमे में वो ताकत है
کہ ایک غیر اگر کلمہ پڑھتا ہے, ایک یہودی کلمہ پڑھتا ہے, ایک عیسائی کلمہ پڑھتا ہے, ایک نصرانی کلمہ پڑھتا ہے, ایک کافر کلمہ پڑھتا ہے, اللہ اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا, اور ایک مسلمان کو موت کے وقت یہ کلمہ مل جاتا تو بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلا جاتا. میرے دوستو یہ کلمہ اتنا پاور والا, آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا جن کی عمر ہوگی 17 سے 20 سال کی عمر ہوگی, ان کا نام ہے حضرت اسامہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت اسامہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلایا اور یہ کہا کہ اسامہ فلاں جنگ میں تمہیں جانا ہے, اور امیر میں تمہیں بناتا ہوں, اور اپنے ہاتھوں سے یہ تلوار میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, اسامہ میدان میں آگے بڑھتے جانا, خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ جیت تمہارے قدموں میں ہوگی, فتح تمہارے قدموں میں ہوگی. یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عمر کے صحابی, 17, 18 یا 20 سال کے, کیا نام کیا نام کیا نام؟ حضرت اسامہ. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے تلوار ان کے ہاتھ میں دی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں جنگ میں تمہیں جانا ہے, اور یہ بھی کہا کہ جیت تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اب میرے دوستو جوان ہیں اور اللہ کے رسول نے امیر بنایا ہے, اور اللہ کے رسول نے پہلے سے بتا دیا کہ جو جنگ ہوگی اس میں فتح تمہارے ہاتھ میں ہوگی, جیت تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اب حضرت اسامہ یہ لشکر کو لے کر چلے, حضرت اسامہ جوان ہے, جوان بالکل جوان صحابی ہے, اور یہ لشکر کو لے کر چلے. جب مقابلہ ہوا, کیونکہ ان کو تو اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی, اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھ سے یہ تلوار دی تھی, تو یہ مقابلہ کرتے گئے. حضرت اسامہ جب مقابلہ کر رہے تھے, ایک کافر سامنے آیا. بھائی مقابلے میں تو یہی ہوتا کہ بھائی مسلمان اس طرف سے, سامنے سے دوسری طرف سے وہ لوگ آئے, ارے کافر سامنے آیا. حضرت اسامہ نے یوں تلوار اٹھائی, وہ جو سامنے جو کافر آیا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. بولو بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی سامنے مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ سامنے, اور حضرت اسامہ نے تلوار اٹھا لی, ارے قریب ہے کہ گردن اڑا دے. وہ سامنے والا کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ ٹھہر گئے. اس نے کہ آیا تو سامنے مقابلہ کرنے, اور یہ تو کلمہ پڑھتا. حضرت اسامہ تھوڑی دیر کے لیے رکے, لیکن حضرت اسامہ کے دماغ میں بات آئی کہ یہ کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ موت سے ڈرتا ہے, میرے مارنے سے ڈرتا, اس لیے یہ کلمہ پڑھتا. بس حضرت اسامہ نے تلوار اٹھائی اور دو ٹکڑے کر دیے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار دیا. سر یہ جنگ جب مکمل ہوئی, سننا, یہ جنگ مکمل ہوئی, معاملہ آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بھائی جب جنگ مکمل ہو گئی تب واپس آ گئے. آپ کو معلوم ہے کارگزاری پیش کرنی پڑتی ہے, آپ نے حالات پیش کرنے پڑتے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا اور کہا اسامہ کیسا رہا, معاملہ کیسا رہا؟ حضرت اسامہ نے جو حق تھا وہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول میں میدان میں نکلا اور میں مقابلہ کرتا گیا, اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا, بڑی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا, بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. میں نے ادھر بھی لاشوں کا انبار لگایا. حضرت اسامہ نے کہتے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے ایک آدمی سامنے سے آیا اور میں جب تلوار اٹھایا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا, پھر میں نے سوچا کہ نہیں یہ میرے ڈر سے کلمہ پڑھتا, میں نے اس کی گردن اڑا دی. بس اتنا کہا کہ کلمہ پڑھا اور پھر میں نے گردن اڑا دی. حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ کا چہرہ اتنا لال ہو گیا, اتنا سرخ ہو گیا کہ اسامہ فرماتے اللہ کی قسم ایسا غصہ میں نے کبھی نبی کے چہرے پر نہیں دیکھا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ کہے اسامہ کیسے قتلتے ہو وقت قال لا الہ الا اللہ. اے اسامہ تم نے کیسے مارا جب اس نے کلمہ پڑھا, تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مارا؟ تو اگر اسامہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بہت زیادہ ہو گیا, تو اگر اسامہ نے دھیرے سے کہا اللہ کے رسول وہ تو میں نے اس لیے مارا کہ وہ میرے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑا, وہ میرے تلوار کے ڈر سے, اگر اس کو کلمہ پہلے پڑھنا تھا تو پہلے پڑھ لیا ہوتا, جب میں نے تلوار اٹھائی تب کلمہ پڑا, اس کا مطلب ہے میرے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑا. بس اتنا کہا کہ میرے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑا, ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا یا اسامہ حل نہ شکت کا کلمہ. اے اسامہ کیا اس کے دل کو پھاڑ کر تم نے دیکھا تھا؟ کیا اس کے دل کو چیر کر تم نے دیکھا تھا کہ وہ کون سی نیت سے کلمہ پڑھتا؟ تمہارے تلوار کے ڈر سے پڑھتا یا محمد کی محبت سے کلمہ پڑھتا یا اللہ کی توحید سے کلمہ پڑھتا؟ کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا اسامہ
तैयार हो जाओ, कल कयामत के मैदान में वो कलमा लेकर तुम्हारे सामने आएगा, तुम क्या जवाब दोगे? मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने इतनी मर्तबा था, इतनी मर्तबा का उसामा, कयामत का दिन होगा, वो कलमा लेकर आएगा और अल्लाह को कहेगा, अल्लाह मैंने कलमा पढ़ा था और ये उसामा के सामने कलमा पढ़ा था, फिर भी मेरी गर्दन को उड़ा दी, ए उसामा तुम कयामत में क्या जवाब दोगे? हमारे नबी ने इतनी मर्तबा कहा, इतनी मर्तबा कहा कि हजरत उसामा कहते, लई तनी लम तनिदनी उम्मी, काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता और मुझे ये दिन दिखना ना पड़ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कलमे की वैल्यू है कि ऐन मारके में, ऐन मुकाबले में अगर कोई कलमा पढ़ता है खुदा के यहाँ, वो भी मोहतरम हो जाता। तो मेरे दोस्तों, हम तो पैदा होते ही कलमा पढ़े हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने बचपन में कलमा पढ़े हैं, अपनी जवानी में कलमा पढ़े हैं, और बोलो बुढ़ापे तक कलमा पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, मौत तक कलमा पढ़ते रहेंगे। एक आदमी मुकाबले के वक्त कलमा पढ़े तो हमारे नबी कहे वो प्यारा हो गया, वो मोहतरम हो गया। तो जो जिंदगी भर कलमे पर रहे वो खुदा के नजदीक की इज्जत वाला होगा। तो आज ये मुबारक महीने में, मुबारक दिन में, मुबारक घड़ी में एक दुआ करो, अल्लाह ये कलमा हम सबको नसीब फरमाए और मौत के वक्त भी नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, मुझे बात पर आने दो, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि उन गुनाहों की वजह से आदमी कलमे से महरूम हो जाता है। आदमी दुआ करो, अल्लाह हम सबको कलमा तैयबा नसीब फरमाए। वरना हदीस पाक में लिखा, मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा, कोई जानबूझकर एक नमाज को छोड़ता है, कोई जानबूझकर एक नमाज को छोड़ता है, अल्लाह उसको मौत के वक्त कलमा नहीं देता। मैं आज कालीपुर में जमा होने वालों से पूछता हूँ, जो जानबूझकर कितनी नमाज, यानी सब बोलो साथ में, बोलो कितनी नमाज, तो उसको मौत के वक्त कलमा, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, क्या हमारे पास एक ही नमाज हमने छोड़ी है? हमने जानबूझकर जिंदगी में एक ही नमाज छोड़ी? भाई 15 साल की उम्र में हम बालिग हुए, कोई यहाँ पर 25 साल का बेटा, कोई 35 का बेटा, कोई 55 का बेटा, कोई 45 का बेटा, कोई 65 का बेटा, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताए कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में एक नमाज छोड़ी है? जब एक नमाज जानबूझकर छोड़ने पर मौत के वक्त कलमे से महरूम होता, तो जो जिंदगी भर और हजारों मरतबा फजर की नमाजें छोड़ता है, क्या मौत के वक्त उसको कलमा मिलेगा? अरे भाई जवाब दो ना, और इतना आराम से जवाब देता है। जब फजर के बारे में इमाम से पूछो ना, मेरी आंख लग गई, मौलाना फजर में नहीं उठाता मेरे से, तेरी बीवी रात को 2:30 बजे उठावे तो क्यों उठता है? बच्चा सीरियस हो गया, एम्बुलेंस को बुलाना है, रात को 3:30 बजे कैसे उठा? अगर बीवी के उठाने पर उठा और बच्चों के उठाने पर उठा, अरे मैं कहता हूँ बीवी बच्चे को छोड़, ये जितने डायबिटीज के पेशेंट वाले हैं ना, इनको पूछो, रात को 2 बजे पेशाब का तकाजा होता है। हाँ, डायबिटीज वाला है, रात को 2 बजे पेशाब करना है, तो उठता ही नहीं, उठता उठता नहीं उठता, क्यों? अपनी मजबूरी में उठा, बीवी की मजबूरी में उठा, बच्चे की मजबूरी में उठा, तो हमारे नबी की कोई अहमियत दिल में नहीं? अल्लाह के वास्ते, नबी के वास्ते कभी नहीं उठा फजर में? बेशरम है वो मुसलमान, बेशरम है वो मुसलमान। अल्लाह ने आंखें दी अंधा नहीं बनाया, अल्लाह ने कान दिया बहरा नहीं बनाया, अल्लाह ने हाथ दिए लूला नहीं बनाया, अल्लाह ने पाँव दिए लंगड़ा नहीं बनाया। अरे वो खुदा चाहता ऐसा अजाब उतारता कि बचाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। तो मेरे दोस्तों, पहली बात आज इस पर तय कर लो, हम कलमे पर जमेंगे इंशाअल्लाह, और कलमे पर जमने के लिए नमाज जरूरी है। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है, हाथ ऊपर करे, अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारी पहली बात हो गई, भाई कलमे का एहतराम करेंगे ना इंशाअल्लाह। साथ में कह दो एक मरतबा, साथ में कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ये तौहीद से हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। चलो नंबर 2 पर आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना। भाई सब पढ़ेंगे दरूद पाक इंशाअल्लाह, आपको बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूँ दरूद पाक के ऊपर, भाई सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा हमारे आका, बोलो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर है, हमारे आका सासम सफर पर है, 2 पहर का वक्त, चिलचिलाती गर्मी, अल्लाह के रसूल पाक सासम ने कहा भाई मैदान में खाना 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 लगाओ, भाई सब लोग खाना खाएंगे। अब जब सहाबे किराम ने खाना लगाया तो अल्लाह के रसूल पाक सासम को आकर कहा कि सबके पास टिफिन में रोटी है, सालन किसी के पास नहीं है,
भाई वो सब लोग अपना अपना टिफिन लेकर आते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई चलो दस्तरखान बिछाओ, अपना अपना खाना सामने रखो। अब सबने जब खाना रखा तो सबके पास रोटी है, सालन किसी के पास नहीं। अल्लाह के रसूल ने पाक साहब को खबर दी, अल्लाह के रसूल ने कितने प्यार से फरमाया निअमल खुब्ज, अरे रोटी भी है अल्लाह का एहसान है, वही खाकर अपने पेट को भर लो। अभी इतना अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक शहद की मक्खी, भाई शहद की मक्खी समझ लो ना, शहद की मक्खी मालूम है गुजराती में क्या कहते हो उसको, वो शहद की मक्खी भिन भिनाने लगी। एक शहद की मक्खी उसकी जो आवाज होती है ना उसको उर्दू में भिन भिनाना कहते। अब वो शहद की मक्खी भिन भिनाने लगी, भिन भिनाने लगी। अल्लाह के रसूल पाक साहब वो शहद की मक्खी को देखने लगे, थोड़ी देर तक वो भिन भिनाती रही और उसके बाद जमीन पे आके वो शहद की मक्खी बैठ गई। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने कहा तुम्हें मालूम है इसने मुझे क्या कहा, तुम्हें मालूम है इसने मुझे। अब साहबा ने कहा हमको क्या मालूम भाई, यहाँ अभी कोई मक्खी भिन भिनाने लगे तो हमको क्या मालूम वो क्या बोलना चाहती। सारे साहबा ने कहा हमको क्या मालूम, अल्लाह के रसूल ने कहा अली इधर आओ, इधर आओ। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को बुलाया, कहा बड़ा प्याला लो और ये मक्खी के पीछे पीछे जाओ। ये मक्खी कहना चाहती है कि फला घर में एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता है, वहां पर शहद रखा हुआ। वो मक्खी कहना चाहती है कि मेरे प्यारे नबी किसी को भेजो ताकि वो शहद निकाल ले, ताकि साहबा के पास रोटी भी है और सालन भी उनको नसीब हो जाए, यानी शहद भी उनको नसीब हो जाए तो शहद और रोटी खाकर सबका पेट भर जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने बड़ा प्याला, भारी प्याला लिया और वो शहद की मक्खी आगे आगे चले, हजरत अली पीछे पीछे चले। मेरे दोस्तों कुछ देर के बाद वो सहाबा फरमाते हैं अल्लाह की कसम हमने देखा कि हजरत अली जो बड़ा प्याला कटोरा लेकर गए थे वो शहद से छला छल भरा हुआ लेकर वापस आ गए। बस अल्लाह के रसूल पाक साहब ने कहा भाई खाना शुरू करो, अब तो रोटी भी है शहद भी है, रोटी भी शहद भी। अभी अभी सहाबा किराम ने खाया होगा, फिर वो मक्खी आई, फिर भिन भिनाने लगी। भाई वो मक्खी अपनी आवाज, वो शहद की मक्खी, वो भिन भिनाने लगी, भिन भिनाने लगी और वो भिन भिनाते हुए चली गई। और यहाँ अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। सारे साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अब क्या बोल कर गई, कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे कर गई। अल्लाह के रसूल पाक साहब रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, फरमाया मेरे एक सवाल का जवाब देकर चली गई। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने पूछा, अल्लाह के रसूल पाक साहब ने फरमाया मैंने उस मक्खी से, वो शहद की मक्खी से मैंने एक सवाल पूछा कि इतना मीठा शहद अल्लाह तुम्हारे में से निकालता, ये कैसे होता। वो मक्खी ने जवाब दिया हम जंगलों में फलों को चूसे, हम जंगलों में दरख्तों की लकड़ियों को चूसे, हम दरख्तों की जड़ों को चूसे, उसके चूसने की वजह से अल्लाह हमारे अंदर वो शहद को पैदा करता। तो हमारे नबी ने उस मक्खी से पूछा अगर तुम जंगलों में फलों को चूसती है तो वो फलों का रस कड़वा होता है, वो दरख्तों का लकड़ा कड़वा होता है, वो दरख्तों की जड़ें कड़वी होती है, तो सारा कड़वा पानी तुम चूसती हो फिर ये मीठा पानी कैसे आता। वो भिन भिनाकर मक्खी ने जवाब दिया कि हम लोगों की आदत है, अल्लाह का हुक्म है, ये जो चीज हमारे पेट में आती है एक मर्तबा हम आप पर दरूद पढ़ते हैं अल्लाह कड़वे पानी को शहद बना देता और कयामत तक के लिए शिफा भी बना देता। मेरे दोस्तों आज शहद जो है वो मीठा, अरे बोलो मीठा है कहीं, और शिफा भी है, बोलो शिफा भी। कुरान करीम में 14वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला फरमाते ये शहद जो एक मक्खी के पेट से निकलता, अल्लाह ताला फरमाते ये मीठा भी होता है और इसमें शिफा भी होती है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानु फीही शिफाउन लिन्नास। अल्लाह तबारक व ताला 14वें पारे में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरी कुदरत ये शहद की मक्खी में देखो इससे जो शहद निकलता, अल्लाह फरमाते मेरी कसम ये मीठा भी होता और इसे हर बीमारी के लिए हमने शिफा बना दिया। तो मेरे प्यारो अगर ये मक्खी के एक मर्तबा दरूद पड़ने से वो कड़वा पानी, वो कड़वा रस अगर मीठा हो जाता है और कयामत तक के लिए शिफा हो जाता है, एक मक्खी दरूद पड़े तो रस मीठा हो जाए, शिफा बन जाए। हमारी जुबान से मोहब्बत से दरूद निकले तो अल्लाह वो दिल को कितना ईमान से मीठा कर दे, अल्लाह वो दिल को कितना ईमान से भर दे। तो मेरे दोस्तों मोहब्बत के साथ दरूद पाक भाई सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आपको मालूम है असर बाद भी पढ़ेंगे, कार्य तकसीम होगा इंशाल्लाह, जुमा के बाद में कार्य तकसीम होगा, असर के बाद भी। वो तो दरूद मालूम है ना आपको कितनी मरतबा पढ़ना, हाँ वो तो पढ़ेंगे, और अभी दरूद पाक पढ़े मेरी जुबान पर मोहम्मद आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु, शुरू करें शुरू करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मद आमीन।
محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدوي محمد الأبتغي محمد التهامي محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ درود پاک سے بھی ہم کو محبت عطا فرمائے. تو دو باتیں ہو گئی, ایک تو توحید بولو لا الہ, جمیں گے انشاءاللہ جمیں گے انشاءاللہ. نمبر دو درود پاک پڑھیں گے اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے. کون کون تیار ہے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے بھائی. درود پاک اور کیسے پڑھیں گے, نہیں ساتھ میں بولو نا کیسے پڑھیں گے بھائی. ذوالحجہ مہینہ, قربانی مہینہ, حج مہینہ, محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور محبت کے لیے کل رات کو بھی میاں جان مسجد میں ہم بیٹھے تھے, وہاں بھی میں نے بتایا, آج بھی بتا رہا ہوں, محبت چلانے سے نہیں ہوتی, نعرے لگانے سے محبت نہیں ہوتی, نعرہ لگانے سے محبت نہیں ہوتی, چیخنے چلانے سے محبت نہیں ہوتی. ہمارے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ ابو بکر تھے. پوچھو حضرت ابو بکر نے زندگی میں کتنی مرتبہ نعرے مارے, کتنی مرتبہ چلائے, کتنی مرتبہ چیخ کر کہا نبی کا دامن. لیکن سب سے زیادہ محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی کبھی روتے تھے, کوئی ان کو پوچھتا ابو بکر کیوں روتے ہو, نہیں معلوم, روتے ہو نہیں معلوم, کہا دیکھو میرے نبی روتے تو میں روتا ہوں, وہ مسکراتے تو میں مسکراتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پیاس لگی, حضرت ابو بکر گئے اور ٹھنڈا پانی لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کو پیاس لگی, پانی پیو. ہمارے نبی پانی پیے. حضرت ابو بکر نے کیا کہا جملہ کا, اللہ کے رسول آپ نے پانی پی لیا پیاس میری بجھ گئی, آپ نے پانی پی لیا میں راضی ہو گیا, میری پیاس بجھ گئی. میرے دوست وہ ابو بکر جو تن من دھن سب قربان کرے, انہوں نے کتنے نعرے لگائے, کتنی مرتبہ کہا میں نبی سے محبت کرتا. میرے دوستو اس لیے آج بات پر آ جاؤ, درود پڑھیں گے محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور محبت عمل سے آواز سے نہیں کریں گے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. تو دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ, ایک تو لا الہ بولو لا الہ الا اللہ, نمبر دو محمد رسول اللہ. ہاں تو یہ تین کام پر تیار ہو جاؤ, توحید, نبی سے محبت اور نماز. بتاؤ یہ تین کام کے لیے کون کون تیار ہے. نمبر ایک کیا بتایا, توحید, نمبر دو نبی سے محبت اور نمبر تین نماز. یہ تین کام ہو گئے, ہم آگے بڑھے. میرے دوستو وہ کل جانوروں کو لٹایا جائے گا انشاءاللہ, کل قربانیاں ہوگی. بولو بہت ادب سے کرنا, ڈسپلن کو سامنے رکھنا. میرے دوستو اس بات کو سامنے رکھنا کہ ہم حضرت ابراہیم اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا طریقہ جو واجب ہے ضروری ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں. میرے دوستو آدمی جلد بازی میں گناہ کر بیٹھتا ہے, ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا حرام. ہمارے یہاں ایک عجیب معاملہ ہوتا, بس معلوم نہیں یہ کیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے میرا جانور ذبح ہونا چاہیے. کیوں بھائی, پہلا تیرا جانور ذبح ہوئے گا تو جنت میں جائے گا, یعنی یہ کوئی حدیث ہے؟ ارے عید کے لیے کتنے دن رکھے, کہ کیوں تین دن رکھے؟ اسی لیے کہ آدمی اطمینان سے کہیں جانور کو تکلیف, لیکن آج تو ایک فکر ہوتی ہے فکر, اور پھر کہے گا ارے سب سے پہلے اپنا جانور لٹایا. اس میں کون سی دھار, ہمارا جانور لٹایا تو آج تک نماز کو نہیں آیا, وہ سچ ہے. پہلی فرصت میں تو نماز کو نہیں آیا تو پہلی فرصت میں چھری کیسے چلایا؟ اب یہ میرا جانور پہلا گھرے, اس کے لیے جانور کے ساتھ جو بے حرمتی ہوتی ہے وہ کھینچنا ہوتا, کھانچنا ہوتا. وہ دو جانور وہاں کھڑے, ان کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیسرے جانور کو ذبح کرتا. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے, یہ جانور تمہارے لیے رحمت نہیں بنے گا, قیامت میں لعنت بن جائے گا. اس لیے کل بہت ہوش حواس کے ساتھ, اس لیے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, حضرت ابراہیم نے بہت آسانی سے قربانی نہیں کی تھی بھائی, آسانی سے کی تھی اپنے اکلوتے بیٹے. ہاں ارے میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا, حضرت ابراہیم جب صبح میں اٹھے, اور معلوم ہے آج میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا, حضرت ابراہیم صبح میں اٹھے تو بیوی سو رہی ہے, بیوی کا نام
बोलो जल्दी बोलो, बीवी का नाम हजरत हाजरा, बेटे का नाम, इस दोनों सो रहे, उन्होंने अपनी बीवी को उठाया और क्या कहा, कैसे कैसे दिल से कहा होगा, कैसे दिल से कहा होगा, अपनी बीवी हाजरा को कहा देखो इस्माइल सो रहे हैं ना, 9 साल का मेरा बेटा सो रहा, उठाओ उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, नहलाओ धुलाओ और उसके बाद कहो कि उनके अब्बा उनको घुमाने ले जा रहे। ये कहकर हजरत इब्राहिम बाहर आ गए, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बेटे को वापस देखे। वो तो बीवी ने नहलाया धुलाया तैयार किया और तैयार करके लाकर हजरत इब्राहिम को दे दिया। हजरत इब्राहिम खुद फरमाते कि मेरे बेटे का चेहरा देखना इतना भारी लगता था कि मैं किस मुंह से कहूंगा मेरे बेटे को कि बेटा मैं तुझे जबा करने के लिए लेके जा रहा है। लेकिन खैर हजरत इब्राहिम ले गए मीना के मैदान में ले गए, मेरे दोस्तों मीना के मैदान में ले गए, जो हज करने जाते जगह देखी होगी वो जगह पर ले गए। जब वो जगह पर गए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कितना प्यार किया, मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा इतना प्यार किया, इतना प्यार किया और फिर आखिर में कहा बेटा अब मैं तुझे जबा करने वाला हूँ कि बेटा मैं तुझे यहाँ लिटा दूंगा तेरे घर। मेरे दोस्तों इतना कहा, 9 साल का बेटा, आज कोई भी बाप ऐसा बोले वो 9 साल का बेटा भागा, भाई अगर इस्माइल भागे भागे और दूर जाकर कहने लगे अब्बा आप मेरे ऊपर छुरी चलाओगे, आज सुबह मैं नहला धुला के माँ ने तैयार करके भेजा, आप मेरे गले पर छुरी चलाओगे। हजरत इब्राहिम ने उस वक्त कहा बेटा नहीं नहीं बेटा, एक बाप तेरे गले पर कैसे छुरी चलाएगा, मगर अल्लाह का हुक्म है इसलिए छुरी चलाऊंगा। इतना कहा 9 साल का बेटा जो भागा था दौड़ता दौड़ता आया, कहा अल्लाह का हुक्म है, कहा अल्लाह का हुक्म है। हजरत इस्माइल लेट गए, कहा अब्बा अब छुरी चलाने में देर मत करना, छुरी तुम चलाते रहोगे और तुम्हारा बेटा सबर करता हुआ चला जाएगा। मेरे दोस्तों मुझे इस वक्त बहुत कम है, सिर्फ इतनी बात बताना कि हजरत इस्माइल लेट गए। बोलो हजरत इस्माइल कितनी उम्र थी, बोलो साथ में बोलो कितनी उम्र थी ना, लेट गए ना, लेट गए। मेरे दोस्तों आप कल जब कुर्बानी करोगे ना तो ये सब चीजें सोचना कि वो नालायक कारी अहमद अली ये बोलकर गया था। हाँ हजरत इस्माइल लेट गए, हमने भी जानवर को लिटा दिया, हजरत इस्माइल लेट गए और हजरत इब्राहिम के हाथ में छुरी है। लेकिन मेरे दोस्तों बाप है ना, बाप बाप के दिल में जो मोहब्बत होती है उसका कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। बेटा बहुत मोहब्बत करता होगा मगर बाप भले गुस्से होता है, बाप भले नाराज होता है, अरे बाप कभी कभी कड़वी कचहरी सुनाता है, कभी कभी बाप हमको कहते जा निकल जा तू मेरी औलाद नहीं है, लेकिन पूछो रात को वो कैसे तड़प तड़प के रोता है। वो बाप के हजरत इब्राहिम छुरी हाथ में लेते यूं जमीन पे रख देते, फिर हाथ में लेते फिर जमीन, और बेटा इस्माइल क्या कहे अब्बा चलाओ ना, अब्बा छुरी चलाओ, अल्लाह के हुक्म में देर मत करो छुरी चलाओ। बस जब बेटे ने कहा तो अब्बा ने छुरी ले ली और यूं 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 रख दिया, यूं गले पे रखा, जैसे गले पे रखा हदीस में लिखा काम इस्माइल, हजरत इस्माइल खड़े हो गए, जब से खड़े हो गए। अब्बा ने कहा क्या हुआ, कहा अब्बा अब्बा ओ आप मुझे जबा तो कर रहे, अब्बा आप मुझे जबा तो कर रहे लेकिन आपने कफन का कपड़ा तो नहीं लाए, मैं जबा हो जाऊंगा मुझे दफन करना होगा तो मुझे किसमें लपेटोगे, आप कोई कपड़ा तो लेकर नहीं आए इसलिए ये मेरी ऊपर वाली चादर ले लो। ये कहकर हजरत इस्माइल ने अपनी ऊपर वाली चादर दे दी और कहा अब्बा मेरे मरने के बाद आपको कफन ढूंढना ना पड़े, इसी कपड़े में लपेट कर मुझे दफन कर देना। मेरे दोस्तों ये ऊपर वाली चादर दे दी और हजरत इस्माइल फिर लेट गए। अब बताओ हजरत इब्राहिम के पास कितनी चीजें हैं, अरे बोलो कितनी चीजें हैं, दो छुरी भी है और कफन का कपड़ा भी है। हदीस पाक में लिखा हजरत इब्राहिम कभी छुरी को लेते, इसलिए बेटा तो लेटा हुआ है, छुरी को लेते कभी कपड़े को लेते, कभी कपड़े को लेकर कहते बेटा तू वो पहला बेटा है जो बाप के हाथ में कफन का कपड़ा दे दिया, तूने अब्बा के हाथ में कफन का कपड़ा दे दिया, कभी छुरी को कभी कफन के कपड़े को। हजरत इस्माइल लेट गए, फिर यूं छुरी रखी, अभी छुरी रखी होगी, हजरत इस्माइल खड़े हो गए, कहा अब्बा रुक जाओ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हजरत इब्राहिम के हाथ कांपने लगे, बेटा अब क्यों रुके, कहा अब्बा आप तो ऐसे जबा कर रहे हो, मैं लेटा हूँ आप ऐसे जबा कर रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अब्बा तुम मुझे देख रहे हो, तुम जब जबा करोगे तो खून निकलेगा, अरे बाप बेटे के गले पे छुरी चलाएगा खून निकलेगा, मैं 9 साल का लड़का मैं चिल्लाऊंगा चीखूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाथ रुक जाए और तुम मुझे जबा न करो, इससे अब्बा मुझे सीधे नहीं उल्टा लेट जाने दो, गर्दन से छुरी चलाओ ताकि छुरी चले तो बेटे का चेहरा नहीं खुदा की मर्जी सामने होगी। बेटा ये कहकर हजरत इस्माइल बोलो बोलो साथ में हजरत इस्माइल उल्टे लेट गए यूं गर्दन की तरफ से लेट गए। मेरे दोस्तों लेकिन हजरत इब्राहिम को छुरी चलानी थी ना, कल हमको भी जानवर पर छुरी चलाना है ना, हजरत इब्राहिम को छुरी चलानी थी, वो कपड़ा साथ में था ना, कौन सा कपड़ा
ब्रो कौन सा कपड़ा? कफन का कपड़ा साथ में था ना। हजरत इब्राहिम ने उसको लेकर आंख पर पट्टी बांधी, आंख पर पट्टी बांधी के बेटे को देखो नहीं, बेटे को देखो नहीं और छुरी चला दो, इसलिए कि बाप तो चेहरा देखे तो भी बेटा है, अरे गर्दन देखे तो भी बेटा है, बेटे की मोहब्बत कहाँ जाएगी। हजरत इब्राहिम ने यूं आंख पर पट्टी बांधी और इरादा किया कि अब छुरी चलाओ, और छुरी रखी, यहाँ छुरी रखी, वहां अल्लाह ताला ने आसमान पर हजरत जिब्राइल को कहा, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कहा जन्नत का जानवर लो, और अल्लाह ने कहा जिब्राइल, जिब्राइल मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जन्नत का जानवर लो और मेरा इब्राहिम इस्माइल के गले पे छुरी चलाए, उससे पहले इस्माइल को हटा देना और जन्नत का जानवर। अब इतना जल्दी इसलिए यहाँ तो छुरी रख दिए, यहाँ हजरत इब्राहिम ने बेटे के गले पे छुरी रख दिए, गर्दन पे छुरी रख दिए, और वहाँ अल्लाह का ऑर्डर होता है कि जन्नत का जानवर लो और छुरी चले, उससे पहले। अब हजरत जिब्राइल के बारे में लिखा हैरान हो गए कि अगर छुरी चल गई, अगर छुरी चल गई तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस्माइल को हटाओ और जन्नत का जानवर रखो। हजरत जिब्राइल ने वहीं से आवाज लगाई, हजरत जिब्राइल जन्नत का जानवर लेकर आए और आवाज लगाई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, वहां आवाज लगाई और हजरत जिब्राइल आए और इस्माइल को हटाया और जन्नत का जानवर रख दिया। हजरत इब्राहिम ने तो कुर्बानी कर दी भाई, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कुर्बानी कर दी, तो हजरत इस्माइल तो हट गए, कुर्बानी किसकी हो रही है? बोले किसकी कुर्बानी हो रही? जन्नत का दुम्बा, जन्नत का जानवर, उसकी कुर्बानी हो रही, कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो गई। और हजरत इब्राहिम, सुनना ये मोड़ इतना अजीब मोड़ है, हजरत इब्राहिम तो यही समझ रहे किसके गले पे छुरी चली, किसके गर्दन पे छुरी चली बेटे। तो हजरत इब्राहिम ने जब छुरी चला दी, अपने हाथ से पट्टी नहीं हटाई, नहीं हटाई, और जो जुमले कहे ना आज, वो जुमले मैं कहूँ तो बहुत आसान है, आप सुने तो बहुत आसान है, लेकिन वो सोचो कि हजरत इब्राहिम ने कैसे जुमले कहे होंगे। पहला जुमला क्या था मालूम? ये दोनों हाथ उठाए, अल्लाह तेरा हुक्म था ना कि बेटे को जबा कर दे, आज बाप ने न चाहते हुए भी कर दिया, बेटे को जबा कर, लेकिन अल्लाह मैं जब घर जाता था तो खाना खाता था तो बेटे के साथ खाता था, अब घर जाऊंगा तो किसके साथ खाना खाऊंगा? ए अल्लाह मैं प्यासा होता था, बेटे को कहता था पानी भर के प्याला लेकर आता था, अब मैं कौन से बेटे को पुकारूंगा? और हजरत इब्राहिम ने आखिरी जुमला था, अल्लाह मैं घर जाऊंगा, इसकी माँ हाजरा पूछेगी बेटे का क्या हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस ये जो जुमले कहे कि आंखों से पट्टी हटाई, पट्टी हटाई तो देखा, अजीब देखा, कौन है सामने? कौन है? वो जन्नत का दुम्बा है। तो फौरन हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? अरे ना इब्नी इस्माइल, मेरा बेटा कहाँ है? तो हजरत इस्माइल वहां कोने में खड़े मुस्कुराने लगे, अब्बा मैं तो इधर ही हूँ, अब्बा मैं इधर ही हूँ, अब्बा मैं इधर ही हूँ, बस जैसे कहा अब्बा मैं इधर हूँ, मैं होता ना तो जाके बेटे को निपट जाता। हजरत इब्राहिम सजदे में चले गए, कहा अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई, अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई, मैंने तो बेटे के गले पे छुरी चलाई, अल्लाह की तरफ से जो आवाज आई है सुनो, अल्लाह की तरफ से आवाज आई है इब्राहिम तू अपने बेटे से मोहब्बत करता है ना, तू बाप है अपने बेटे से मोहब्बत करता है, अगर वो तेरा बेटा है तो इस्माइल मेरा बंदा है, अगर तू बेटे से मोहब्बत करता है मैं 99 दर्जे ज्यादा तेरे से उससे मोहब्बत करता हूँ, तू बाप होके तेरे हाथ नहीं चलते थे जबकि तेरी मोहब्बत कम है, मेरी मोहब्बत तो उससे भी ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये बता दिया कि कुर्बानी तो हमने कबूल कर लिया, तो हजरत इब्राहिम ने मारे जज्बे, मारे शौक के, मारे मारे मोहब्बत के, हजरत इब्राहिम की जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम की जबान से निकला। तो हजरत जिब्राइल तो वहीं खड़े थे, हजरत जिब्राइल वहीं खड़े थे, उनकी जबान से निकला अल्लाह الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد। बस ये कुर्बानी का मामला पूरा हुआ, अल्लाह की तरफ से आवाज आई इब्राहिम आज तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए और तुम्हारी कुर्बानी इतनी पसंद आई कि कयामत तक आने वालों पर हमने वाजिब कर दिया। तो भाई कुर्बानी वाजिब हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो वाजिब हो गई ना, हुक्म आया कुर्बानी करना जरूरी है, बोलो कुर्बानी करना मेरे साथ में पढ़ो, हुक्म आया कुर्बानी करना जरूरी मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया फसल लेने वापिका वन हार,
قربانی کرنا بھی ضروری اور نماز پڑھنا بھی نماز پڑھنا بھی واجب قربانی کرنا بھی واجب فصلی لربک وانحر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو قیامت تک کے لیے قربانی کا حکم آ گیا اور وہ جو حضرت جبرائیل جب جنت کا دمبا لے کر آئے تو کیا پڑھے تھے بولو کیا پڑھے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب حضرت ابراہیم کو پتا چلا کہ جنت کا جانور ذبح ہوا میرا بیٹا زندہ ہے تو کیا کہا تھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور فرشتے جبرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تسبیح جو حضرت جبرائیل نے وہاں پر پڑھی اللہ اکبر کہہ کر یہاں جو حضرت ابراہیم نے پڑھا لا الہ الا اللہ اکبر اور جو آخری تسبیح ایک روایت میں جبرائیل نے ایک روایت میں حضرت اسماعیل نے اللہ اکبر وللہ الحمد تو جبرائیل کا کہنا اللہ اکبر حضرت ابراہیم کا کہنا لا الہ الا اللہ اکبر اور حضرت اسماعیل کا کہنا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کو یہ تکبیر آسمان پر اتنی پسند آئی کہ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے کہلوایا میرے نبی اعلان کر دو 9 ذی‌الحجہ سے لے کر 13 ذی‌الحجہ تک 23 نمازیں ہوگی ہر نماز کے بعد یہی تکبیر کو دہرایا جائے گا اور ابراہیم اور اسماعیل کی یاد کو تازہ کیا جائے گا آج فجر کی نماز کے بعد سب نے پڑھی ہوگی پڑھی کہ نہیں پڑھی ابھی جمعہ کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ہم آج بھی پڑھیں گے کل سنیچر کو بھی پڑھیں گے اتوار کو بھی پڑھیں گے پیر کو بھی پڑھیں گے منگل کی عصر کی نماز تک ہم پڑھیں گے یہ 5 دن تک ہم تکبیر پڑھیں گے اور اس کا پڑھنا بھی ضروری قربانی کا کرنا بھی ضروری عید کی نماز بھی ضروری اللہ نے ضروری قرار دیا کہ میرے ابراہیم اتنی بڑی قربانی دے کر تو نے قیامت تک کے انسانوں کو ایک سبق سکھایا ہے کہ بیٹے کی جان کی ضرورت پڑے دے دینا مال کی ضرورت پڑے لٹا دینا اپنا تن من دھن قربان کر دینا مگر خدا کے حکم کو کبھی مت توڑنا تو یہ قربانی جو ہے نا ہم کو یہ پیغام دے رہی ہے یہ جو ہم اللہ اکبر پڑھتے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہے قربانی کا اصل مقصد اونچا جانور نہیں ہے بولو قربانی کا اصل مقصد اونچا جانور آج اس کی فکر بڑی چلی ہے جانور کیسا ہو بولو نا کیسا ہو کہتا ہے میرا بکرا دیکھا کہ نہیں دیکھا میرا کیوں کیا ہے تیرے بکرے میں کچھ دو چار پر لگے ہوئے ارے ارے اتنا ہٹا کٹا اونچا لے کر آیا میرے دوستوں اللہ کہتا مجھے تیرے قربانی کے جانور کی کیا ضرورت اللہ کہتا مجھے تیرے گوشت کی کیا ضرورت مجھے تیرے خون کی کیا ضرورت میں تو مقصد پر لانا چاہتا ہوں آج جانور کے گلے پہ چھری چلاتا اللہ کہتا میرا حکم آئے اپنی مرضی پہ چھری چلا دینا اور اللہ کی مرضی پر آ جانا یہ جو ہم جانور کے گلے پہ چھری چلاتے نا یہ چھری چلانے کا مقصد ہے آج سے میں اپنی مرضی پر چھری چلا دیا آج سے میری کوئی مرضی نہیں جو مرضی ہوگی مصطفیٰ کی ہوگی اور رب مصطفیٰ کی ہوگی کون کون اس کے لیے تیار ہے اگر یہ مرضی ہے تو قربانی قبول ہے الحمدللہ کریں گے بھائی اسی مرضی کے ساتھ کیا جب جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ تو کہنا اپنے گھر میں بیوی کو بھی کہنا بچوں کو بھی کہنا جب چھری چلا کے گھر میں جاؤ نا تو بیوی پوچھے گی ہو گیا بچہ پوچھے گا ابا وہ بکرا ذبح ہو گیا اس وقت آنکھوں میں آنسو ہو اور کہو میں نے بکرے کو نہیں آج اپنی مرضی کو فنا کر دیا اب زندگی گزرے گی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر گزرے گی اپنی مرضی کو تو میں ذبح کر کے آ گیا اپنی مرضی کو چھوڑ کے آ گیا میرے دوستو یہ کون ہے جو اللہ رسول کی مرضی پہ چلتے ہیں ہم لوگ اللہ رسول کی مرضی پہ چلتے ہیں یہ جانور کو ذبح کرو تو نیت کرو میری مرضی کے میں نے ٹکڑے کر دیے اب کس کی مرضی ہوگی اللہ رسول کی تو کون کون تیار ہے اس کے اوپر تبھی قربانی قبول ہوگی میں ابھی قرآن پڑھ کے بتاؤں گا ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں پارا نمبر 17 آپ لوگ دیکھ لینا جا کر تاکہ کل جب قربانی آئے اس سے پہلے یہ آیت کا ترجمہ سمجھ لینا اللہ کہتے مجھے تیرے اونچے اونچے جانور کی ضرورت گوشت کی ضرورت خون کی ضرورت اللہ کہتا میں تو مقصد پر لانا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے آج تو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اب اللہ رسول کی مرضی پر چلے گا پارا نمبر 17 بولو پارا نمبر اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم اللہ فرماتے میرے بندے مجھے قربانی سے کوئی مطلب نہیں مجھے تیرے دل کی آہوں سے تیرے آنکھوں کی نمی سے تیری نیت سے اس سے مجھے مطلب ہے اپنی مرضی پر چھری چلا دے اللہ رسول کی مرضی پر آ جا تیری قربانی کو ایسے قبول کروں گا کہ قیامت میں اسی کو سواری بناؤں گا اس پر بٹھاؤں گا اور پل صراط پار کروا دوں گا تو میرے دوستو یہ جو بکرا ہے نا کل قیامت میں ہماری سواری ہے
और हम उस पर बैठेंगे, बोलो इंशाल्लाह, और पुल सिरात पार करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कब? जब मकसद सही होगा। मकसद गलत होगा तो सवारी नहीं बनेगा, बनेगा तो रास्ते में गिरा देगा। इसलिए कौन कौन तैयार है? अपनी मर्जी खत्म, अल्लाह रसूल, हाथ ऊपर करो भाई, अल्लाह रसूल। तो जब अपनी मर्जी खत्म कर दी ना, कल छुरी चलेगी। अपनी मर्जी खत्म, तो आपसे चेहरे पे, चेहरे पे, अरे बोलो ना, चेहरे पे दाढ़ी, क्योंकि ये मेरी मर्जी तो है नहीं। अरे जितने लोग दाढ़ी रखे ना, मैं भी, ये मेरी मर्जी थोड़ी है। अरे आप लोग बगैर दाढ़ी के चिकना चिकना गाल लेके घूमना चाहते हो तो क्या हम लोगों को नहीं अच्छा लगता? अरे भाई मैं भी अभी मौलाना, ये मौलाना है, देखो माशाल्लाह अल्लाह ने कैसी खूबसूरती अता फरमाई, ये मौलाना है, ये मौलाना भी दाढ़ी निकाल दे, मैं निकाल दूं, और हम लोग बाहर निकले तो कहीं हो कारी साहब कितने जवान दिखते हैं। हाँ, ये हमारी मर्जी थोड़ी है भाई, दाढ़ी रखना किसी की मर्जी नहीं है। लेकिन हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई को जब किसी ने पूछा, हजरत मौलाना रशीद अहमद से किसी ने पूछा ये दाढ़ी क्या, तो क्या फरमाया? अरे दाढ़ी इसलिए रखी है कि कयामत में ये कहेंगे प्यारे नबी तुम्हारे गालों पर अपने गालों को कुर्बान कर दिया था। मेरे दोस्तों ये दाढ़ी रखेंगे ना, इसी हाल में जब अल्लाह के पास जाएंगे तो नबी वाला चेहरा लेकर जाएंगे तो अल्लाह को भी रहम आएगा। अरे बोलो रहम आएगा नहीं आएगा? तो आज सब लोग इसके लिए तैयार हो रहे, जो जो बातें बताएंगे वक्त खत्म हो गया, मैं इसके लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। और एक बहुत प्यारी बात देखो, बड़ा महीना है, कुर्बानी वाला महीना है, हज वाला महीना। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं ये मस्जिद के बारे में कुछ दिन पहले भी सुना, आज भी सुना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ करीब में एक जगह है जो मस्जिद वालों ने खरीद ली, और आमीन कहो आमीन कहो, ये सौदा मुकम्मल हो गया। आज अल्लाह के घर को कोई जगह मिले, इससे बढ़कर मुबारकी की कोई बात नहीं होती। मेरे दोस्तों मैं घर लेता हूँ, मेरे को सब लोग मुबारकबादी देते हैं, आप घर लेते हैं, हम आपको मुबारकबादी देते हैं। लेकिन अल्लाह का जब घर लिया जाए, यहाँ जो जमीन खरीदी गई वो भले, अभी मुझे बताया कि 8 करोड़ का सौदा हुआ है, जिसमें 1 करोड़ तो बहुत जल्दी पहुंचाना है। मैंने अभी वही ऑफिस में बैठकर कहा, इसलिए कि कहने वाले ने मुझे कहा मौलाना 8 करोड़ बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ अभी पहुंचाना। मैंने कहा मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऊपर वाले के लिए कुछ भी नहीं है। ये इसलिए कि ये हमने हमारे वास्ते लिया। अरे बोलो ना, मैंने मेरे वास्ते जमीन लिया, यहाँ का कोई मुतवल्ली ने अपने वास्ते जमीन लिया, अरे कोई सस्ती ने अपने वास्ते जमीन लिया। अल्लाह का घर है, उसके लिए क्या मुश्किल है? अरे वो गैरों को हजारों खोखे भर के दे सकता, क्या आपने घर के लिए 8 खोखे का इंतजाम नहीं कर सकता? अरे बोलो अल्लाह कर सकता कि नहीं? तो हम सब पहले तो अल्लाह पर भरोसा करें। और मेरे दोस्तों ये मुबारक महीने में छोटी नेकी भी बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत सारे भाई रूमाल लेकर खड़े होंगे। मेरे दोस्तों मैंने कहा ना, मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, मस्जिद वालों के लिए प्रोजेक्ट बहुत लंबा। और सही बात है, जो मस्जिद के मुतवल्लियान होते, ट्रस्टियान होते ना, इनको कभी कभी रात को नींद नहीं आती, हैरान होता है इतने पैसे पहुंचाने के, ये बनाने का, ये करने का, ऐसा करने का। लेकिन मेरे दोस्तों न कोई मुतवल्ली करेगा, न कोई ट्रस्टी करेगा, न मैं करूंगा, न आप करेंगे, ये अल्लाह का घर है। कौन करेगा? अल्लाह। वो मालूम है ना आपको, आपको मालूम है ना, वो यमन का बादशाह अब्रहा, बोलो यमन का बादशाह, वो काबे को गिराने आया, बोलो आया था कि नहीं आया था? काबे को किसको गिराने के लिए आया? तो जब वो अपने हाथी, वो हाथी पे बैठा था, हाथी को लेकर जब वो मक्का में आया तो देखा कि वो क्या समझा था कि मैं काबे को गिराने जाऊंगा तो सब लोग तलवार लेकर खड़े होंगे, काबे के चारों तरफ खड़े होंगे, चारों तरफ काबे, इसलिए सब कहेंगे जान दे देंगे फिर काबे को गिराना। लेकिन वो अब्रहा यमन का बादशाह था, वो जब हाथी पे बैठ के काबे आया तो देखा कि काबे के पास कोई भी नहीं है, तो हाथी पे खड़े होकर चिल्लाया कि कोई, मैं काबे को गिराने आया, कोई बचाने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। उस वक्त हमारे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकले। कौन? अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकले, हमारे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकले, कहा काबे का रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी है, तू काबा गिराने आया? अल्लाह का घर है, हम हट जाते, तू जान और अल्लाह जाने, तू जान और अल्लाह जाने। तो कहा कि तुम लोग कोई मुकाबला नहीं करोगे? तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, असल में मेरे कुछ ऊंट है जिस पर तूने कब्जा किया है, मैं चाहता हूँ वो ऊंट मेरे को दे दे। तो अब्रहा को और गुस्सा आया, ऊंट मांगते हो, मैं काबा गिराने आया? तो कहा ऊंट का मालिक मैं हूँ तो मैं मांगता हूँ, काबा का मालिक वो है, वो निमट लेगा, बस इतना कहा। और ये कहकर अब्दुल मुत्तलिब चले गए। और आपको मालूम है जैसे अब्रहा ने काबे को गिराने की कोशिश की, अरे क्या गिराता, करीब आया, आसमान से छोटे छोटे कंकर आए, और कंकर जिसको लगता था वही ढेर होके मर जाता था, जिसको कुरान करीम ने कहा अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील,
अल्लाह कहते सोचो जो मेरे घर को ढाने आता है हम उसके साथ क्या मामला करते हैं, उसको बिल्कुल भूसे की तरह बना के फेंक देते हैं। तो मेरे दोस्तों ये भी अल्लाह के घर का मामला है। करेगा कौन, बोलो कौन करेगा? अल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हुई इससे कि ये जो जमीन ले रहे हैं इससे मस्जिद का एक्सटेंशन होगा, यानी मस्जिद और बढ़ेगी, अच्छा मदरसा कायम होगा, अच्छा हाफिजों के लिए, कारियों के लिए, आलिमों के लिए, इमामों के लिए कमरे कायम होंगे। मुझे जो इन्होंने मकसद बताया हर मकसद चोटी पर पहुंचने वाला, खुदा का घर बनेगा। बोलो खुदा का घर बनेगा तो खुदा की आजमतें बढ़ेगी, और मदरसा बनेगा तो नबी की तालीम में परवान चढ़ेगा, और आलिमों के और हाफिजों के लिए छप्पर बनेंगे जिनमें वो अपने सरों को छुपाएंगे और यहाँ पर रहेंगे। एक आलिम की कोई मदद कर लेता, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते कयामत के दिन हम तेरे गुनाहों को माफ कर देते, तो बहुत बड़ा मकसद है। कौन कौन ताउन के लिए तैयार है, हाथ ऊपर करें। माशाल्लाह भाई, जिससे जितना होगा देंगे। और एक बात है, यहाँ मस्जिद के जिम्मेदार वहाँ बाहर बैठेंगे, कोई बड़ी रकम पहुँचाना चाहे, अभी न लाया हो अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, या अपने मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए, या अपनी जन्नत बनाने के लिए, अगर कोई बड़ी रकम लेकर आया तो बाहर जिम्मेदार बैठेंगे, उनके मोबाइल नंबर आप उनका नंबर ले ले, अपना नंबर उनको दे दे, और रकम अभी पहुंचाए, नकद पहुंचाए, उधार पहुंचाए, लेकिन आज सब तय करे कि इंशाल्लाह ये काम होगा, इंशाल्लाह अल्लाह करवाएगा। बोलो कौन करवाएगा? अल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी एक बात बता दूं भाई, कुर्बानी कल होने वाली है, उसके मसाइल जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ मसाइल मैंने तरतीब दिए, लेकिन मेरे को गुजराती नहीं आती तो मैंने उर्दू में तरतीब दिए। फिर हमने हमारे भावनगर में मुफ्ती साजिद साहब है, उन्होंने उसका गुजराती ट्रांसलेशन किया और बहुत अच्छे अंदाज में वो छप के जेरोक्स होकर फोटो कॉपी में आए हैं, बाहर इंशाल्लाह तकसीम होंगे। हर आदमी लेकर जाए और उसको बहुत इत्मीनान से पढ़े, ताकि जानवर के गले पर छुरी चलाने से पहले कुर्बानी के मसाइल का जानना जरूरी है। एक बात, और असर के बाद कितनी मरतबा दरूद पढ़ना है, अच्छे वो भी बाहर तकसीम होगा, वो भी आप लेकर जाए, कुर्बानी के मसाइल भी लेकर जाए। अल्लाह ताला हम सबकी ईद को कबूल फरमाए। और कल मुझे ईद की नमाज पढ़ाना है अडाजन में अजमेरी मोहम्मदी मस्जिद, अडाजन में अजमेरी मोहम्मदी मस्जिद में 7 बजे बयान शुरू होगा, और सिर्फ 15 मिनट 7:15 बजे पर ईद की नमाज खड़ी होगी इंशाल्लाह, और 7:30 तक सब लोग फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो 7 से 7:30 का ये वक्त अडाजन पे आप लोग आए, वहाँ जरूरी और बातें भी होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन भाई, सुन्नत सबकी बातें खड़े हो जाए, सफे बना ले ताकि पीछे वालों को भी जगह मिल जाए। इत्मीनान से सुन्नत पढ़े, उसके बाद में खुतबा नमाज इंशाल्लाह।